अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम तमाम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, तो मंगल को सऊदी अरब में रोज़ा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह बुध को रोज़ा होगा। तो रोज़ा खोलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? रोज़ा खोलते वक्त की दुआ, प्यास चली गई, रगे तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाहा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। चांद नजर आता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मनाते हैं, तो तरावी वगैरह पढ़ते हैं, फिर सैरी के वक्त खाना खाते हैं, सारा दिन खामोश रहते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं। जब शाम का वक्त होता है इफ्तारी का वक्त, हर चीज़ सामने होती है, लेकिन सबसे पहले पानी को तरजीह देते हैं, तो पानी पीना है, पानी से यकीन मिलता है। अल्लाह के पास हजर है, कुरान पढ़ना, ये भी रमज़ान में उतरा था, कुरान पाक रमज़ान मुबारक में ही नाजिल हुआ था। ये दुआ जरूर पढ़ा करें, ठीक है, बच्चे भी पढ़ते हैं, जज़ाकुम अल्लाह खैर। ये बच्चा है, प्यास चली गई, रगे तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाह तो। वो बयान करेंगे, उसने पहले सलाम लिया, उसके बाद कहा कि प्यास चली गई और रगे तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाह तो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बच्चे ने बहुत अच्छा बयान किया। ये बच्चा है कि प्यास चली गई, रगें तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाहा तो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये बच्चा ध्यान करेगा, प्यास चली गई, रगें तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाहा। माशाल्लाह जी, इदाफे सामों की तरफ से ये बच्चे बयान कर रहे हैं, प्यास चली गई, रगे तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाहा। तो ये माशाल्लाह भाई, और ये बच्चा अब बयान करेगा, प्यास चली गई, रगे तार हो गई और साबित हो गया अजल, अगर अल्लाह ने चाहा तो। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आखिरी बच्चा जो बयान करेगा, तो प्यास चली गई, रगे तार हो गई और साबित हो गया अजर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तो ये रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह बच्चे रोज़े भी रखेंगे, सदर साहब पूछ रहे हैं हमसे। ये बच्चा, ये प्यास चली गई, रखे तार हो गई और साबित हो गया अजर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह।